50 लाख करोड़ रुपया में एसडीएम बनाया जा रहा है। 1 करोड़ रुपया अगर आप देते हैं तो आप एसडीएम बन जाएंगे, और उसके बाद 60 लाख रुपया देते हैं तब डीएसपी बन जाते हैं, 50 लाख देते हैं तो आप वीडियो बन जाते हैं। बीपीएससी पेपर लीक में बिहार के एक बड़े अधिकारी पकड़े गए हैं, राहुल कुमार, जो यहाँ पर रिवेन्यू ऑफिसर हैं सीओ ऑफिस अररिया में। वहीं एसआईटी जो जांच कमेटी में पकड़े गए हैं उसी को लेकर अब तमाम अभ्यर्थियों से मैं लगातार बात करते रहता हूँ। अभी हमारे साथ एक अभ्यर्थी हैं जो बीपीएससी का एग्जाम दिए थे, उसको लेकर तमाम बातें कहेंगे। आज उनके अधिकारी पकड़े गए हैं, क्या और आने वाले समय में और भी अधिकारी पकड़े जाएंगे? देखिए, सवाल है कि वो अधिकारी पकड़े गए हैं, बहुत सही बात है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि अभी वो 1 साल पहले उसकी ज्वाइनिंग हुई है, 64th बीपीएससी वो क्वालिफाइड किया, तो 64th बीपीएससी के थ्रू अगर उसका ज्वाइनिंग हुई है एक सीओ की पोस्ट पे, तो बताइए 1 साल उसकी पकड़ इतनी मजबूत कैसे हो जाता है? तो सवाल है कि सीओ ही किया या फिर उससे अपर जो पदाधिकारी, उसको बचाने की एक बहुत बड़ी साजिश है कि छोटा छोटा जो पदाधिकारी है उसको फंसाने की कोशिश की जा रही है। दिक्कत यह है कि 64वीं और 66वीं बीपीएससी जो निकाला है, मेरा मानना है कि ये ओयू के थ्रू नहीं, सीबीआई के द्वारा इसकी जांच होनी चाहिए। ये तमाम अभ्यर्थियों की मांग है कि जब तक सीबीआई की जांच अगर नहीं होगी तो मुझे लगता है कि पूरी खुलासा नहीं हो पाएगा। जो जेन्युइन है, जो पेपर को लीक करता है, जो इसकी सेटिंग करता है, मतलब कि बिहार सरकार की मंशा सही को पकड़ने में, सही गलत अपराधियों को पकड़ने में नहीं है, आपका कहना ये? बिल्कुल बिल्कुल, पर पकड़ तो रही है अभी लगातार एकदम। किसको पकड़ रही है अभी? सीओ, कौन से आईएएस अधिकारी पकड़े गए हैं, कौन से नेता पकड़े गए, एक लीडर का नाम बता दीजिए। क्या नेता लोग ये काम नहीं कर रहे? कौन से मंत्री उसकी पकड़े गए है, किसके द्वारा ये काम किया जा रहा है, इस पर कहीं कोई जांच नहीं है। मेरा कहना है कि हमको यहाँ के जो बिहार सरकार की जो एसआईटी टीम है, जो भी टीम बनाकर जांच कर रही है, हम तमाम अभ्यर्थियों को भरोसा नहीं है उसके ऊपर। ये तमाम अभ्यर्थियों की मांग है कि वो सीबीआई के द्वारा उसकी जांच करवाई जाए। आज जिस तरीके से बिहार में अलग अलग तरह के राज्यसभा को चुनाव हो गए, इस तरह के मुद्दे को उलझा दिया गया और बीपीएससी के मुद्दे को जो है ढक दिया गया है। बीपीएससी की कोई चर्चा ही नहीं है। आप जैसे जकात भारत वाले आकर इसकी चर्चा कर रहे, सबसे बड़ा आप लोग को मैं, हम तमाम अभ्यर्थी आपको शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इस मुद्दे को उठाकर बीपीएससी को लेकर इतनी कंसस है, आप अपनी कंसस्टेंस को दिखाया है, ये हमें बहुत खुशी हो रहा है इस बात को लेकर। लेकिन जिस तरीके से नालंदा का सोनू हो गया और अलग अलग हिस्सों में जो लोग बच्चे वायरल हो रहे हैं, ठीक है वो भी सही है, लेकिन मीडिया का काम क्या सिर्फ वही है? क्या केवल राज्यसभा चुनाव को ही दिखाना ये सही है? क्या ये दिखाना नहीं कि अभी तक बीपीएससी का पेपर लीक का मामले अभी तक बड़े पदाधिकारी क्यों नहीं पकड़े गए हैं? उसके पीछे किसकी साजिश थी? कहा जा रहा है कि इस बार जो राहुल कुमार जो पकड़े गए, इनका भी जो है इस बार वो भी 67 बीपीएससी के एग्जाम देने वाले थे, यानी कि ये पिछली बार ये पास हुए हैं। जी बिल्कुल। तो अब मनसा ये जाहिर हो रहा है, क्या अधिकारी भी उसी प्रकार से वहां पर सिलेक्शन होकर आ रहे हैं जिस प्रकार से वो लोगों को सिलेक्ट करवाना चाहते हैं? ये बड़ा प्रश्न है अभी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी जिस तरीके से राहुल कुमार जो है 64th में हुआ, क्या पता वो सेटिंग करके आए हो, चूंकि उनके पिताजी सब इंस्पेक्टर रहे हैं, ठीक है, क्या उसके माध्यम से हुआ होगा? तो तमाम सवाल है लोगों के मन में, आखिर ये हो कैसे रहा है? तमाम लोगों का बार बार एक ही मांग है कि सीबीआई की जांच हो। जिस तरीके से बेरोजगारी इस देश के अंदर बनी हुई है, नौजवानों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब बताइए, जो विद्यार्थी का उम्र अब जिसका लास्ट हो गया होगा, विद्यार्थी क्या करेगा? क्या उनके पास कोई जगह है कहीं तैयारी करने के लिए? कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है, किस जगह जाकर वो नौकरी करेगा? जिस तरीके से अब देखिए पटना में आपको अलग अलग हिस्सों में चाय वाले मिल जाएंगे, मैगी वाले मिल जाएंगे, बीबीए मैगी वाले, बीटेक चाय वाले, एमबीए चाय वाले, ग्रेजुएट चाय वाली, तो इस तमाम चीज़, क्या एक जो बीपीएससी का तैयारी कर रहा है लड़का, जो ग्रेजुएशन किया हो, पीजी किया हो, क्या वो जाकर चाय बेचेगा? अगर मुझे चाय ही बेचना होगा तो हम क्यों करेंगे ग्रेजुएशन, हम क्यों करेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन, हम क्यों तैयारी करेंगे बीपीएससी का? ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अभी 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 ये बात उठ रही है कि बीपीएससी पेपर लीक पर क्या पकड़े जाएंगे, क्योंकि 20 दिन तो बीत चुका है। आप लोगों को एग्जामिनेशन कितने तारीख को था? आठ मई को। बिल्कुल, 20 दिन बीत चुका है, अभी से 3 सप्ताह पहले हुआ था। जी जी। उसके बाद कहा गया कि 2-4 दिनों में मामला समझ में आएगा, मगर कई मुद्दे होते हैं जो मुद्दे के ऊपर हावी हो जाते हैं, तो कई मुद्दे छिप जाते हैं और दब जाते हैं। मगर ये महत्वपूर्ण थे कि ये अधिकारी दे रहे थे बिहार संघ लोक सेवा आयोग, यानी कि बिहार को चलाने के लिए अधिकारी चुनने के लिए जिस प्रकार से ये एग्जामिनेशन था, तो क्या पहले भी जिस प्रकार से हुआ है उसकी भी जांच होनी चाहिए? अभ्यर्थी
वहां तक समझ नहीं दौड़ा पा रहे हैं या सरकार बरगला रही है? हम कह रहे हैं 62, 63, 64, 65 और 66, इस सबकी जांच होनी चाहिए सीबीआई के द्वारा। और जब इसकी जांच हो जाएगी तो इसकी जो स्वायत्तता है, इसकी जो बीपीएससी की जो अपनी अस्मिता है, वो तभी बच पाएगी। वरना आने वाला कल जिस तरीके से बीपीएससी कहा जाता है बिहार का सर्वश्रेष्ठ एग्जाम होता है बीपीएससी, उसकी साख खत्म हो जाएगी। सरकार पे भरोसा है आप लोगों को? सर, सरकार पे कैसे भरोसा लोग करेंगे? क्योंकि सरकार पे भरोसा तब करते अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम अभ्यर्थियों को एक सुनिश्चित करते। हर बात के लिए मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा? अरे क्यों नहीं, हर बात के लिए नहीं। ये बीपीएससी आप समझ रहे हैं, इस अस्मिता का सवाल है, बिहार की अस्मिता का सवाल। अगर यूपीएससी का पेपर लीक हो जाएगा तो यूपीएससी में सवाल नहीं है, देश के प्रधानमंत्री की अस्मिता पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि बताइए यूपीएससी जो ऐसे एग्जाम है जो सेंट्रल लेवल पे एग्जाम होता है, उस एग्जाम पे इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह कि प्रश्न लीक हो जा रहा है। और कौन कौन अधिकारी, जैसे कई अधिकारियों का नाम चल रहा है, सरकार के करीबी रहे हैं, सरकार के चहेते रहे हैं, उसमें एक अधिकारी का नाम आता है रंजीत कुमार, उनका भी नाम हम कह रहे हैं। जिन जिन अधिकारियों का नाम आ रहा है, रंजीत कुमार का आ रहा है, तो रंजीत कुमार के बेशक उनको जांच करवाया जाना चाहिए। क्यों नहीं जांच करवाई जा रही है? क्यों उनको छोड़ा जा रहा है? वो क्लास ले रहे हैं भाई, एक आईएएस आप बन गए तो आप क्लास क्यों लेते हैं? पर इस आधार पे कहा जा रहा है कि उनके नंबर पे जो जिस जगह से मैसेज आया था तो उनका नाम उसमें नहीं है, ऐसे आप बताइए। आप जहां से पेपर आया आपको इतना पता करने में इतना टाइम लग रहा है कि पेपर कहां से आया है ये भी पता नहीं कर पा रहे हैं आप। कहां से वायरल हुआ, किस जगह से हुआ है, तो क्या बचाने का प्रयास हो रहा है? कई अभ्यर्थी सोशल साइटों से ये बात पूरा पूरा बचाने की पूरी कोशिश है, पूरी कोशिश है इसको बचाने के, बहुत बड़ा प्रयास किया जा रहा है, सिर्फ लोकल लेवल पे नहीं, मुख्यमंत्री आवास से इसको बचाने के प्रयास है। तो राहुल कुमार गिरफ्तार कैसे हुए, सरकार पे तो भरोसा? राहुल कुमार क्या एक सीओ है, एक सीओ राजस्व पदाधिकारी है, राजस्व पदाधिकारी बेचारे उसको गिरफ्तार कर लिया गया। उसमें हम कह रहे हैं भाई मुख्यमंत्री आवास से जब सेटिंग हो रहा है, सीधा सीधा मुख्यमंत्री आवास से बीपीएससी के ऑफिस से हो रहा है, जब चीजें सेटिंग हो रहा है, क्या पेपर लीक का मामला केवल नहीं है, ये ओवरऑल सेटिंग हो रहा है। 50 लाख करोड़ रुपया में एसडीएम बनाया जा रहा है, 1 करोड़ रुपया अगर आप देते हैं तो आप एसडीएम बन जाएंगे, और उसके बाद 60 लाख रुपया देते हैं तो आप डीएसपी बन जाते हैं, 50 लाख देते हैं तो आप वीडियो बन जाते हैं, जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री बिहार के लिए। आपके पास कोई सबूत है, आप डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं, ब्लेम कर सकते हैं? नहीं डायरेक्ट नहीं, तो पूरी माहौल पूरे देश भर बिहार में चर्चा है इस चीज का कि लाख करोड़ रुपए में आ रहा है। अगर कहीं कहा जाता है ना कि जहां आग लगती है वही धुआं होती है, कौन मांगता है, कुछ जानकारी है क्या चीज का? ये 50 लाख 60 लाख 80 लाख भाई मुख्यमंत्री आवास से डिमांड है इस चीज का। नीतीश कुमार लेते हैं, नीतीश कुमार पे सीधा आरोप है इस चीज का, क्यों नहीं होगा? अगर अगर उनमें थोड़ी सी नैतिकता है तो मैं कह रहा हूं कि अपनी नैतिक जिम्मेदारी की वो तय करें और विद्यार्थियों को सीबीआई की सौंपा जाए बीपीएससी जांच को। अगर थोड़ी सी नैतिकता बची हुई है तो भी बीपीएससी की साख बच पाएगा। जिस तरीके से बिहार के विद्यार्थी अलग अलग हिस्सों में जाकर तैयारी करते हैं, उनके पास और चीज़ें नहीं है। हम तो कहे थे कि जितना विद्यार्थी एग्जाम दिया था, बताइए 2000-3000 रुपये हर जगह जा खर्चा किया, किसको पैसा मिला है? इतनी आंदोलन चल रहा है, लेकिन सारा मुद्दा जो है जितने भी चैनल है, यूट्यूब हो या नेशनल चैनल हो, सब किस पे फोकस कर रहा है? राज्यसभा चुनाव पे, सोनू पे, अलग अलग चीजों पे चर्चा हो रहा है। वो क्या होता है ना कि मुद्दे के साथ कई चीजें भटक जाती है, इसलिए आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। मगर अभी एक जो और बातें हैं, अब है अगला आप लोगों का एग्जामिनेशन का, वो कब होगा, इसकी डिमांड आप लोगों तक होनी चाहिए। अभी तक एग्जाम को लेकर किसी भी तरह का सूचना नहीं दी गई है, कहा गया कि 15 जून के बाद आपको सूचना दी जाएगी कि कब आपकी एग्जाम ली जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि केवल 15 जून के बाद क्या पता है कि आप सूचना देंगे, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जिस तरीके से एग्जाम लेने से पहले 67th का एग्जाम लेने से कई बार डेट बढ़ाई गए, कई बार डेट को इधर से उधर किए गए, तो क्वेश्चन है क्या पता है कि ये चीज़ किया ही जाएगा? चूँकि बिहार SSC 2014 का वैकेंसी आज तक क्लियर नहीं हुआ है, 9वां साल जा रहा है। अब बताइए एक वैकेंसी को क्लियर करने में 8 साल अच्छा, अभी, लगाते अभी, हैं। अभी एक कर्मचारी की बहाली आई है, उसमें भी कहा जा रहा है कि 20-22 लाख रुपए का रेट चल रहा है, जो सचिवालय 25 लाख अब तक भी ये खबरें जी जी बिल्कुल सबके पास कोई सेटलर आया है कि नहीं अभी तक? मेरे तक तो अभी तक नहीं आया है, लेकिन बातें चल रही है। अगर जब तक सेटिंग नहीं, कहा जाता है ना जहाँ आग लगती है वही धुआं उड़ती है, बिल्कुल आग लगी है इसका मतलब सेटिंग होता है, इस वजह से लोगों के बीच में चर्चाएं हैं इस चीज का।
तभी तो चर्चाएं हो रही है। ये अभ्यर्थी द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है उसी को लेकर मैं लगातार खबरें लाता रहता हूं और लगातार लाऊंगा, मगर ये ध्यान देने वाली बात है कि बीपीएससी ही नहीं, अभी जो कर्मचारियों की जो बहाली आई है सचिवालय की, वहां पर भी ये तो अभ्यर्थी तैयारी करते हैं अभी मन्नू जी यहां। और आप जैसे कितने अभ्यर्थी पटना में तैयारी करते हैं जनाब? 1 लाख से तो ऊपर करते हैं। पटना में जो कंपटीशन तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं, 20 लाख विद्यार्थी पटना 20 लाख कहां से हम बता रहे हैं ना, 20 लाख विद्यार्थी पटना 25 लाख यहाँ आबादी है दिखाता है। 25 लाख आबादी है पटना के, रहने वालों की आबादी है, जिला में रहने वालों की आबादी है, यहाँ के वासी है जी जी। लेकिन 20 लाख बच्चे पटना, 2011 जनसंख्या के हिसाब से था 25 के, मगर 50 लाख तो जरूर पटना की आबादी होगा, लेकिन तैयारी करने वाले बच्चों की जो संख्या है वो 20 लाख है जो पटना में रहता आज के डेट में जी जी। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये अलग अलग हिस्सों में जो चर्चाएं हैं अलग अलग कोचिंग के माध्यम से पता चलेगा। पटना का कोई भी कोचिंग नहीं है जहां पे 1000 विद्यार्थी नहीं है पढ़ने के लिए, तो आपको हर गली में आपको यहां मिल जाएगा। तो 25 लाख 20 लाख से ऊपर विद्यार्थी यहां तैयारी करते हैं, उनकी भविष्य का सवाल है। सिर्फ उनकी भविष्य का सवाल नहीं है, सवाल उनके पीछे 5 परिवार है। एक विद्यार्थी जो तैयारी करता है किसी भी हिस्सों में 4,000-5,000 के महीने का वो खर्च करता है। आपका कितना खर्च होता है? मेरा यहाँ पे 6,000 रुपये हमको घर से मिलते हैं। पेंशन आ जाता है महीना समय पे? नहीं, कभी लेट भी होता है, कभी 5 दिन लेट हो गया, 10 दिन लेट हो गया। पिताजी किसान है, किसान है। चलिए अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे, तैयारी ज्यादातर बच्चे किसान और जवानों के बच्चे, या कह सकते हैं कि साधारण घर के बच्चे पटना में आकर, यही एक रूम है इसी में तैयारी करते हैं। हम लगातार अभ्यर्थियों के संपर्क में रहते हैं और लगातार रहूंगा। झकास भारत उन तमाम मुद्दों के साथ आता रहेगा, चाहे वह पेपर लीक का मामला हो या फिर राजनीति की खबरें हो, मैं लगातार लाते रहता हूं। और भी तमाम वीडियो जिनको जो सहायता वहां से पहुंचनी चाहिए वो तमाम खबरें मैं लाता रहता हूं। आप पिछले वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। एक वीडियो अभी खैरा के जगह का मैं डाला हूँ, जमुई का, जहाँ का अमित नाम का लड़का विकलांग है, उसको लेकर भी आप उसे वायरल करिए। हो सके कोई मदद करने वाले लोग जरूर आएंगे सामने, क्योंकि अभी खूब मदद के लिए लोग सामने आ रहे हैं, इसीलिए वह भी प्रयास आप जरूर करें वहां पर देखकर। अभी के लिए मेरा नाम हुआ रविकांत कश्यप, हमारे बगल में अभी मन्नू थे जो तमाम बातें कर रहे थे। धन्यवाद।